हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट आवर लेसन नंबर टू बुक वर्क। हियर इज द क्वेश्चन आंसर। हियर इज द आंसर्स आंसर्स ओनली। आंसर नंबर वन, वंस देयर वॉज ए फुल ऑफ रैट इन द टाउन। आंसर नंबर टू, द फोर लाइन आर एज फॉलोज। हिज लुक वॉज वेरी स्ट्रेंज, हिज नोज वॉज टू लॉन्ग, ही वॉज टॉल एंड थिन, ही वोर रेड क्लाउन्स कैप ऑन हिज हेड। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। डब्ल्यू ओ आर ई होगा ना वोर की स्पेलिंग। ओके, नाउ आंसर नंबर थ्री, द पाइट पाइपर प्लेड ए ट्यून ऑन हिज पाइप, एन आर्मी ऑफ रेड्स फॉलोड हिम, ही लेड द रेस्ट टू रिवर एंड रेड्स वेयर ड्रोन। आंसर फोर, He played another tune and led the children of Hamelin to some unknown place in the side of mountain. Now answer number 5. As soon as Mayor realized his mistake, he rewarded Pied Piper with 70,000 gold coins. So dear student, आपको ये सारे question answers को अपने copy में लिखने हैं। Book से आप question देखिएगा, मैं सिर्फ आंसर आंसर लिखवा रही हूँ। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ इट्स टाइम फॉर बुक वर्क। ओके, क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी वी हैव डन। नाउ स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स बनाने हैं। आई ओनली एक्सप्लेन दिस 5 सेंटेंस एंड आंसर, दिस इज योर होमवर्क। आंसर आपको देना है, यू हैव टू गिव द आंसर। ओके, मैं ये समझा दे रही हूँ आपको ये क्या लिखा है। द सिटीजन ऑफ हेमलिन ट्राइड देयर बेस्ट टू चेज अवे द रैट। हेमलिन के जो लोग थे वो हर तरीके से अपनी कोशिश कर लिए थे चूहों को भगाने के लिए। यस और नो, द रैट्स वेयर ड्रोन इन द रिवर बाय द पाइट पाइपर। रैट नदी में डुबोया गया किसके द्वारा? पाइट पाइपर के द्वारा। यस और नो, यहाँ पे आपको लिखना है। द मेयर वॉज एन ऑनेस्ट मैन इन पेइंग द पाइपर। क्या मेयर ईमानदार था? उसने पाइट पाइपर को जितना उसने मांगा था उतना पैसा दे दिया था? ये आपको लिखना है। यस और नो, द पाइपर प्लेड द सेम ट्यून फॉर द रैट्स एंड द चिल्ड्रन। क्या पाइपर ने रेड के लिए भी वही धुन बजाई थी जो चिल्ड्रन के लिए बजाई थी? यस और नो, द लेम चाइल्ड इन्फॉर्म्ड एवरीवन वेयर ऑल द चिल्ड्रन वर। जो लेम चाइल्ड था, लेम, उसने इन्फॉर्म किया था कि बाकी बच्चे कहाँ पे है? यस और नो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट हु माइट हैव सेड गिवन सेंट स्टेटमेंट इन द लेसन। ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, आपको यहाँ पे लिखना है कि ये किसने कहा। वी ऑल मस्ट डू समथिंग टू चेज द रैट्स अवे। हमको चूहों को भगाने के लिए कुछ करना चाहिए। ये किसने किससे कहा बताओ? चलो आओ देखते हैं इसको हम कैसे खोज सकते हैं। तो देखो, ये स्टेटमेंट है हमारा, द पीपल, द पीपल हैव ट्राइड हंड्रेड ऑफ द वेज टू गेट रिड बट वर अनेबल टू चेज अवे द रैट्स। तो किसने किससे कहा? पीपल ने। किसने कहा? हेमलिन टाउन के पीपल ने। ओके, तो यहां पे लिखेंगे हम द पीपल ऑफ हेमलिन। What can I do about it? I am old and helpless. ये किसने कहा होगा? मेयर ने। ये आपको बताना है कि किसने कहा होगा सोचकर, ठीक है? कि आपको सोचकर बताना होगा ये किसने कहा होगा। May I offer my services to take away all the rats? ये किसने कहा होगा कि मैं अपनी सर्विस देना चाहता हूँ सारे चूहों को भगाने के लिए? करेक्ट, द पाइट पाइपर। किसने कहा होगा?
द पाइट पाइपर। समझ में आया कैसे करना है इसको? सो हियर डी ई एफ जी एच इज योर होमवर्क। ओके सो दिस फाइव इज योर होमवर्क, दिस फाइव ऑल्सो इज योर होमवर्क। नाउ चूज द करेक्ट आंसर, दिस वन इज ऑल्सो योर होमवर्क बिकॉज चूज द करेक्ट आंसर। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से कोई भी आंसर का मतलब आपको आंसर चूज करके टिक करना है। मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दे रही हूँ, सुनिए। हेमलिन इज सिचुएटेड इन, हेमलिन कहाँ सिचुएटेड है? जेरूसलम में, जर्मनी में, जॉर्डन में। द टाउन वॉज रिडन विथ, टाउन किससे भरे पड़े थे? न्यूमरस कैट से, स्ट्रे डॉग से, कि काउंटलेस रैट से। द पीपल ऑफ हेमलिन कंप्लेन टू, पीपल ऑफ हेमलिन किससे कंप्लेन किए? मेयर से, पाइपर से, कि ईच अदर से। द पाइट पाइपर आस्क्ड फॉर, पाइट पाइपर ने क्या मांगा? 1,000 सोने की सिक्का, 50,000 सोने का सिक्का, कि 70,000 सोने का सिक्का। मेयर ने क्या किया जब पाइपर ने अपना इनाम मांगा? तो उसने अपनी प्रॉमिस रख दी, कि अपने बातों से मुकर गया कि उसको हैप्पीली पे कर दिया। क्या किया मेयर ने? द पाइट पेपर डैस वैन नॉट पेड, पाइट पेपर को क्या हो गया जब उसको पैसा नहीं मिला? तो टुक रिवेंज, उन्होंने बदला लिया। डिड नॉट माइंड एंड नॉट बींग पेड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चला गया। वेंट अवे फॉर एवर, वहां से हमेशा के लिए चला गया। क्या किया तीनों में से? इट्स नेवर गुड, ये अच्छा नहीं होता, टू कीप वंस प्रॉमिस, किसी का प्रॉमिस रखना। टू बी गुड टू अदर, दूसरों के लिए अच्छा करना। टू ब्रेक वंस प्रॉमिस, किसी का भरोसा या किसी का प्रॉमिस तोड़ना। ओके नाउ राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल यू नो आई विल टीच यू विद द ग्रामर लेसन। ओके नाउ टिक मार्क द वर्ड्स क्लोजेस्ट इन मीनिंग, आपको इसके मीनिंग के जो ये वर्ड दिया हुआ है उसका जो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब जो पास में एकदम मीनिंग उसका निकलता है उसमें टिक मार्क करना है। एंगर मतलब गुस्सा, हर्ट होगा क्या? नहीं। सैडनेस होगा? नहीं। फ्यूरी। स्ट्रेंज मतलब अजीब। एब्सेंट नो, सरप्राइज नो, पेकुलियर। ओके ड्रेस्ड अटायर्ड, रिमूवल की रेडी, रेडी क्योंकि ड्रेस मतलब कपड़े उपड़े पहन के हम लोग रेडी तो होते हैं ना। स्टॉप्ड सेट अप, वॉक्ड हार्टेड। ओके दिस टू इज योर होमवर्क। ओके मैंने तीन करवा दिया, आपका दो होमवर्क है। नाउ मैच द कॉलम विद देयर एंटोनिम्स एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटोनिम्स, टेल मी। एंटोनिम्स मीन्स विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स। Antonyms means opposite word. Yes, opposite. उल्टे अर्थ, जैसे बोलते हैं ना रात का दिन, लड़का का लड़की, और क्या बोलते हैं सुबह का शाम, बड़ा का छोटा, तो ये है opposite words. Okay? फुल, फुल मतलब भरा हुआ। अब भरा का उल्टा हेल्पफुल, शॉर्ट, हार्ड, रिवॉर्ड, स्टार्टेड, इंक्रीज, डिसऑनर, लीड, एबल एम्प्टी, इंफेरियर, बिटर, अनप्लीजेंट, नैरो, फॉरगेट। क्या होगा इनमें से? गुड, इट्स एम्प्टी। फुल मतलब भरा, एम्प्टी मतलब खाली।
समझ में आया? तो आपको यहाँ पे ऐसे मैच कर देना है इसको। ठीक है, बाकी सब बन जाएंगे, सबके ऑपोजिट्स आपको मैच करने हैं। ओके, सो दिस वन इज ऑल्सो योर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ ऑल द एक्सरसाइज वी विल डू विथ अवर ग्रामर पोर्शन। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।